तो दोस्तों, केओस ग्रुप ने वीरे 6 का बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया है और इस बार हमें काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे वीरे 6 के अंदर, काफ़ी सारे नए फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम किस तरह से वीरे 6 का बीटा वर्जन ऑफिशियली डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही में हमें वीरे 6 के अंदर कौन से मेजर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, हम उन फीचर्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एहसान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, वीरे 6 को ऑफिशियली डाउनलोड करने के लिए आपको अपने किसी भी ब्राउज़र पर चले जाना है और वहाँ पर वीरे 6 को टाइप करना है। वीरे 6 को टाइप करने पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, आपको chaos.com वाली किसी भी लिंक पर क्लिक कर लेना है तो आप यहाँ पर मूव हो जाते हो, ओके। और आप chaos.com के होम पेज पर ही देख सकते हो कि यहाँ पर ऊपर ही हमें दिख रहा है कि वीरे 6 फॉर 3DS मैक्स व्हाट्स न्यू। अगर आपका केओस ग्रुप की वेबसाइट पर अकाउंट बना हुआ है तो आप सिंपली यहां पर कॉर्नर से इसे लॉगिन कर ले, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप अपना अकाउंट इस पर रजिस्टर कर ले, बेसिक डिटेल्स डाल के आपको यहां पर अकाउंट बन जाएगा, ओके। उसके बाद में आपको यहां पर होम पेज पर ही ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि वीरे 6 फॉर 3DS मैक्स सी व्हाट्स न्यू करके यहाँ पर हमें एक बटन मिलेगा, हमें इस बटन पर क्लिक करना है तो हम कुछ इस तरह के पेज पर शिफ्ट होते हैं, ओके। और यहाँ पर हमें वीरे 6 फॉर 3DS मैक्स के लिए ट्राई फ्री का बटन मिलता है तो हम इसका फ्री वर्जन बीटा वर्जन ट्राई कर सकते हैं, तो हमें ये ट्राई फ्री पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर वीरे 6 को 30 डेज के लिए ट्रायल वर्जन पे यूज़ कर सकते हो और आप इन सारी फीचर्स को एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि वीरे की रेंडरिंग के अलावा आपको सिमुलेशन का ऑप्शन मिलता है, आपको केओस कॉस्मोस मिलता है, केओस स्कैन्स मिलता है, केओस वेंटेज मिलता है और केओस प्लेयर मिलता है। तो अगर आपको नहीं पता कि इन सारे फीचर्स को किस तरह से इस्तेमाल करना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं 3D सॉफ्टवेयर्स और इंटीरियर डिज़ाइन से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहता हूं। साथ ही में अगर आपको 3DS मैक्स या ऑटोकैड जैसे सॉफ्टवेयर्स बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना है तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर उसे चेक कर सकते हैं, मैंने 3DS मैक्स और ऑटोकैड के लिए कोर्स बना रखे हैं। तो बढ़ते हैं हमारे वीडियो के ऊपर, यहाँ पर आपको नीचे स्टार्ट या ट्रायल का बटन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। तो इस वाले पेज पर आपको कुछ डिटेल्स पूछेगा, जैसे कि सबसे पहले हमें यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर पूछ रहा है, उसके बाद में आप अपनी यहाँ पर इंडस्ट्री और रोल को चूज़ कर लीजिए और कंटिन्यू करिए, और इसके बाद में आपको यहाँ पर वीरे को चूज़ कर लेना है और आप जिस भी सॉफ्टवेयर के साथ में वीरे को यूज़ करते हो उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो सारी डिटेल्स फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर डाउनलोड ट्रायल का बटन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करके अपने वीरे के बीटा वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे सिंपली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये तो था कि हम वीरे 6 को किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, अब हम बात करेंगे कि वीरे 6 में कौन से नए चेंजेस और कौन से नए फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे, ओके। सो फर्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं केओस स्कैटर के बारे में। वीरे के अंदर हमें एक स्कैटर का ऑप्शन मिलता है, जिन लोगों को नहीं पता कि स्कैटर क्या होता है तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमारे पास में एक प्लेन है जहाँ पर हमें बहुत सारे ट्रीज़ को शो करना है या एक जंगल जैसे शो करना है, तो हमें हंड्रेड्स ऑफ ट्रीज़ की ज़रूरत नहीं है कि हम हंड्रेड्स ऑफ ट्रीज़ के 3D मॉडल्स को इम्पोर्ट करें हमारे सीन फाइल के अंदर और उन्हें अपनी अपनी लोकेशन पे प्लेस करें और फिर उसे रेंडर करें, इससे तो सीन बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा और उसे रेंडर करना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वीरे का स्कैटर ऑप्शन आता है, आप एक या तीन चार अलग अलग टाइप के ट्रीज़ को अपने प्लेन के अंदर सेटअप कर सकते हैं और स्कैटर ऑप्शन का यूज़ करके आप उनकी मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हो, साथ ही में आप उसे रैंडमली किसी भी पोजीशन पे प्लेस भी कर सकते हो। तो अगर आपको एक जंगल बनाना है या आपको कोई और तरह का कोई एनवायरनमेंट डिज़ाइन करना है या किसी भी तरह की ऐसी ही आपको ज्योमेट्री बनानी है जहाँ पर आपको एक या दो पर्टिकुलर ज्योमेट्री को मल्टीपल पोजिशन पर प्लेस करना है तो वहाँ पर आप स्कैटर ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे एक मेजर चेंज जो वीरे 6 के अंदर हमें देखने को मिला है वो प्रोसीजरल क्लाउड्स का ऑप्शन देखने को मिला है। पहले हम जब सन को या फिर हमारे एनवायरनमेंट को हमारे सीन के अंदर सेटअप करते थे तो हमारा जो स्काई होता था वो बिल्कुल प्लेन होता था, अगर हमें हमारे बैकग्राउंड के अंदर क्लाउड्स को शो करना है हमारे स्काई पर,
तो हम दो तरह का यूज़ करते थे, हम या तो HDRI को यूज़ करते थे या फिर हम एक प्रॉपर इमेज को एक बैकग्राउंड के अंदर एक प्लेन पर या फिर एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट पर प्लेस कर देते थे और उस तरह से हम क्लाउड्स को यूज़ करते थे। लेकिन अब हमें प्रोसीजरल क्लाउड्स का ऑप्शन वीरे सन के अंदर मिल जाता है। आप जब अब वीरे के अंदर अपना सन सेटअप करोगे तो आपको सेटिंग्स के अंदर ही एक क्लाउड्स का ऑप्शन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। उसके अंदर आप क्लाउड्स की सेटिंग्स को चेंज करके क्लाउड्स का साइज़ चेंज कर सकते हो, उनकी डेप्थ को चेंज कर सकते हो, आपको कितने ज़्यादा हैवी क्लाउड्स चाहिए, कितने लाइट क्लाउड्स चाहिए, कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में क्लाउड्स चाहिए, उन सारी चीज़ों को आप ऑन बोर्ड चेंज कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है वीरे के अंदर। थर्ड नंबर पे ऑप्शन आता है वीरे एनमेश। वीरे एनमेश पहले से ही है लेकिन इस बार वीरे एनमेश को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया गया है। तो वीरे एनमेश को हम एक एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें CNC जाली बनानी है। तो पहले ऐसा होता था कि हमें पूरी की पूरी जो CNC जाली होती थी उसे 3DS Max के अंदर मॉडल करना होता था। ओके, उसके बाद में उसके ऊपर टेक्सचर अप्लाई करो और उसके बाद में उसे रेंडर करो। लेकिन वीरे एनमेश उन सारी चीज़ों को स्किप कर देता है। हम सिंपली एक प्लेन के ऊपर सिर्फ एक जाली के डिज़ाइन को वीरे एनमेश का यूज़ करके पुट कर सकते हैं। हमारे पास में बस एक छोटा सा डिज़ाइन शेप बना होना चाहिए और उस शेप को हम वीरे एनमेश के अंदर पुट करेंगे और जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम उसे अप्लाई करेंगे तो वो प्लेन हमारा पूरा एक जाली का ऑब्जेक्ट बना देगा। उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी भी डाल देगा और भी काफ़ी फीचर्स हमें वीरे एनमेश के अंदर देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी पिछली बारी से इम्प्रोवाइज्ड है। इसके अलावा अगर आपको पता है कि वीरे किस तरह से काम करता है या आप डिटेल में वीरे को यूज़ कर चुके हो तो वीरे के अंदर काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स भी हमें देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमें एनिमेशन में काफ़ी पहले प्रॉब्लम जाती थी वीरे के अंदर, इस बार उस चीज़ को काफ़ी इम्प्रोवाइज़ किया गया है। सिम्यूलेशंस, वेव इफ़ेक्ट्स, वाटर रनिंग वाटर इफ़ेक्ट्स, तो इस तरह के इफ़ेक्ट्स को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ किया गया है वीरे 6 के अंदर। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने नोटिस किया है तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी सारे फीचर्स जो हमें पहले कोरोना में देखने को मिलते थे वो अब वीरे में देखने को मिल रहे हैं। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कोरोना को केओस ग्रुप ने खरीद लिया है और जो भी अच्छे फीचर्स कोरोना के अंदर मौजूद है तो वो सारे फीचर्स अब धीरे धीरे करके वीरे के अंदर भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और इंटीरियर डिज़ाइन और 3D सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।